हेलो गाइज, मेरा नाम है भरत और आज मैं खड़ा हूँ भरत बेंच ऑथराइज्ड डीलर माडवा ट्रकिंग प्राइवेट लिमिटेड पर, जो कि पड़ता है न्यू पाली रोड जोधपुर में, जीत कॉलेज से 2 किलोमीटर बाद में। आप देख सकते हैं ये भरत बेंच का माडवा ट्रकिंग का शुरू में, यहाँ पे आपको सेल्स और सर्विस की दोनों फैसिलिटीज मिलेगी। हम चलते हैं भरत बेंच के ऑथराइज्ड डीलर माडवा ट्रकिंग पर और जानते हैं इनके बारे में कि इनकी जर्नी कब से शुरू हुई है भरत बेंच की। भरत बेंच मर्सिडीज के अंडर में ही आता है, मर्सिडीज ही भरत बेंच के अंदर में ट्रकें बनाती है। आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा, कंपनी की पूरी डिटेल दूंगा, सबके बारे में बताऊंगा, ट्रक का भी रिव्यू दूंगा इनका सबसे फेमस मॉडल का। उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं भरत बेंच के प्रीतम सिंह जी रावत से, ये आपको भरत बेंच की जर्नी के बारे में बताएंगे। सर, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम प्रीतम सिंह रावत है, मैं भारत बेंच कंपनी की तरफ से जोधपुर डिवीजन में सेल्स, जो हैवी कमर्शियल व्हीकल के लिए सेल्स डिवीजन है वो देखता हूँ। अगर अब हम भारत बेंच की बात करेंगे तो जो भारत बेंच एक ब्रांड है, हमारी जो मेन जो कंपनी है वो है डैमलर, एक जर्मन बेस्ड कंपनी है। और डैमलर वो कंपनी है जिसने ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया था ऑलमोस्ट 18th century के अंदर। सबसे पहले जो उस ज़माने में गाड़ियाँ चला करती थी उसको इंजन लगा करके रोड के अंदर चलाने लायक जो नई गाड़ियाँ आविष्कार करी थी वो डैमलर ने करी थी। अगर डैमलर की बात करें तो डैमलर ने इंडिया के अंदर सबसे पहले कदम रखा था 1954 में टाटा के साथ में कोलैबोरेशन करके। और भारत बेंच की बात करेंगे तो जो भारत बेंच ब्रांड है वो डैमलर ने 2009 के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च किया था। 2012 के अंदर हमारा यहाँ पर प्लांट जो है ऑर्गेनम चेन्नई के अंदर बेस किया था। और अगर हम बात करेंगे 2012 से लेकर के 2022 तक, तो भारत बेंच इंडियन मार्केट के अंदर जैसे बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी सबसे सुपीरियर माना जाता है। परफॉर्मेंस के अंदर चाहे फ्यूल एवरेज हो, चाहे कस्टमर का कंफर्ट हो, ड्राइवर कंफर्ट हो, चाहे अगर हम बात करेंगे रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो ये किसी भी ट्रक की तुलना में सबसे बेहतर ट्रक है। आज मैं खड़ा हूँ भरत बेंच के प्रीमियम ट्रक के सामने, जो कि है भरत बेंच 1917। सामने से आप लुक दे सकते हैं इस ट्रक की, इसमें आपको काफ़ी बड़ी विंडशील्ड मिल जाती है जो कि आप दे सकते हैं, और सामने की आप लुक दे सकते हैं भरत बेंच का लोगो दिया है, और यहाँ पे कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाती है भरत बेंच। भरत बेंच मर्सिडीज के अंडर में ही आती है और ट्रकें बनाती है, इनकी ट्रक काफ़ी प्रीमियम रहती है अदर ट्रकों के मुकाबले में। आप सामने की लुक दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपको लुक दी गई है, और हेलोजन में आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, और इसके ऊपर ही आपको डीआरएल मिल जाती है, और इंडिकेटर भी आपको यहीं पर दिए गए हैं जो कि हेलोजन में है। और सामने एक बार फिर से लुक दे सकते हैं, पूरी फ्रेम में आप 1917 को दे सकते हैं, भारत बेंच की ये प्रीमियम ट्रक है। अभी मैं आपको साइड से भी लुक दिखा देता हूँ इस ट्रक की, कुछ इस टाइप से आपको साइड से लुक दी है। आप कैबिन को दे सकते हैं 1917 के, ये 6 चक्के की ट्रक है भरत बेंच की, और काफ़ी अच्छा आपको इसमें इंटीरियर दिया गया जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप बाहर की लुक दे सकते हैं, इसमें आपको 20 इंच के स्टील व्हील दिए गए हैं जो कि आप दे सकते हैं, अपोलो के टायर लगे हुए हैं, 295/80 की टायर की साइज है 20 इंच के, और साइड से आप लुक दे सकते हैं। आगे मैं आपको इनके सेल्स एग्जीक्यूटिव से भी मिलाऊंगा, उससे पहले आप क्यूक व्यू में इस ट्रक को दे सकते हैं, कुछ इस टाइप से रियर की लुक दी गई है इस ट्रक में। आपको रियर में सेंसर और कैमरा भी मिल जाता है, इसके ऊपर बॉडी लगती है। अभी मैं आपको चेसिस का ट्रक दिखा रहा हूँ, रियर से आप लुक दे सकते हैं भरत बेंच लिखा गया है। इस साइड से मैं आपको लुक दिखा देता हूँ, रियर में आपको टेलर मिल जाती है काफ़ी अच्छी जो कि आप दे सकते हैं, और इस साइड से भी आप ट्रक को दे सकते हैं। चारों तरफ से मैं आपको पहले ट्रक को दिखा रहा हूँ, आगे मैं आपको इसकी पूरी डिटेल भी दूंगा। अब मैं आपको भरत बेंच के 1917 के इंटीरियर को दिखा देता हूँ, इंटीरियर में आपको क्या क्या मिल जाता है। कुछ इस टाइप से आप डोर को ओपन कर सकते हैं, काफ़ी ऊंचा आप बैठेंगे क्योंकि ये ट्रक है। कुछ इस टाइप से आपको ड्राइवर साइड डोर दिया है भरत बेंच में, और यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना होगा। अभी मैं आपको इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, ये 1917 ट्रक का इंटीरियर। कुछ इस टाइप से आपको मैकेनिकली वे में स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, और इसके बीच में आपको भरत बेंच का लोगो मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आप दे सकते हैं, और काफ़ी अच्छा आपको प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है इस ट्रक में। आपको एसी का फीचर भी दिया गया है, और ये इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। और अभी मैं आपको इग्निशन को ऑन करके दिखा देता हूँ, आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को दे सकते हैं, ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल का गेज, और बीच में आपको डिजिटल वे में MID दी गई है, और सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होगी। आप दे सकते हैं फ्यूल का गेज और DEF का गेज भी आपको दिया गया है, और कुछ स्टेप्स आपको अंदर का इंटीरियर मिल जाता है इस ट्रक में। आपको कैमरे का फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको कैमरे की डिस्प्ले शो होगी जो कि आप दे सकते हैं,
पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ आपको दिख रहा है और इसमें आपको एसी और हीटर दोनों मिल जाता है। ये एसी के कंट्रोल दिए हैं और म्यूजिक सिस्टम भी आपको इस ट्रक में मिल जाता है कंपनी के थ्रू, और काफ़ी अच्छा आपको केबिन दिया है। ऊपर आपको LED में लाइट मिल जाती है रूफ में, और कुछ इस टाइप के आपको बड़े से सनवाइजर दिए गए हैं ड्राइवर साइड में, और ये इसका गेट और ट्रक का आप इंटीरियर देख सकते हैं ओवरऑल। और पीछे आपको स्पेस मिल जाती है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आपको पीछे भी स्पेस दिए। यहाँ आपको वाटर होल्डर मिल जाते हैं और कुछ इस टाइप से आपको बीच में स्पेस दी गई है भारत बेंच के इस ट्रक में। और पावर विंडोज़ का आपको फीचर मिल जाता है, बहुत से ट्रकों में आज के दिनांक में भी पावर विंडोज़ के फीचर नहीं आते हैं, इस ट्रक में दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से विंडो ऑपरेट हो रही है कुछ इस टाइप से, और उस साइड की आपको पावर विंडोज़ दी है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ से बैठे बैठे ऑपरेट कर रहा हूँ। हम भारत बेंच के BDM प्रकाश विष्णु जी से बात करते हैं और जानते हैं कि हमें भारत बेंच के ट्रक की क्यों खरीदने चाहिए। तो सर आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। सर नमस्ते, प्रकाश विष्णु ही, भारत बेंच कंपनी। 2016 जब मारवा ट्रकिंग जोधपुर के अंदर ओपन हुआ तभी से मैं मारवा ट्रकिंग के अंदर काम कर रहा हूँ। और इसमें क्या है कि एक तो ड्राइवर सेफ्टी और मेन चीज़ सर्विस का शेड्यूल वगैरह सब कुछ सही है, और ड्राइवर भी इससे सब कुछ खुश है। हमें इस वीडियो में भारत बेंच ट्रक के बारे में बताएंगे यहाँ के सेल्स पर्सन, यहाँ के BDM, और आप देख सकते हैं इस ट्रक का इंटीरियर। ये ट्रक स्टार्ट हो गया है। हाँ सर बताइए इस ट्रक के बारे में, सेफ्टी के बारे में आप क्या बोल रहे थे? सर एक तो आप स्पेस बहुत ज़्यादा दे रखा है ताकि ड्राइवर भी आराम से, ड्राइवर और को ड्राइवर आराम से इसके अंदर धो सके, आराम से रह सके। तो दूसरी चीज सेफ्टी है सीट के अंदर बैठने के अंदर, और स्टीयरिंग भी अपने को क्रूज कंट्रोल दे रखी है जैसे अपन एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर। स्टीयरिंग को आप इस ट्रक में एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से नीचे लीवर दिया गया है, आप चाहे तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वे में स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के सेल्स पर्सन इसको एडजस्ट कर रहे हैं, और इस ट्रक में आपको कैमरे का फीचर मिल जाता है। और सर और क्या क्या सेफ्टी दी गई है? पावर विंडो सिस्टम दे रखा सर, पावर विंडो सिस्टम दे रखा है, LED बैक कैमरा दे रखा, जैसे को ड्राइवर को पीछे देखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। हाँ मतलब एक सिंगल ड्राइवर भी इस ट्रक को आसानी से चला सकता है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस दी है, और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपको केबिन दिया गया है, काफ़ी लग्जरी केबिन। भारत बेंच का ये प्रीमियम ट्रक है 1917 बेंच के, 1917 की आप आवाज़ सुन सकते हैं इंजन की। इसमें आपको 4 सिलेंडर का 3900 cc का इंजन दिया है कंपनी ने, इसके बारे में सर बताएंगे। सर आप इसके इंजन के बारे में बताइए। 4 सिलेंडर इंजन आता है अपना, और ये मैन चीज तो देखिए BS6 के अंदर, ये ATS सिस्टम का दे रखा है, मैन चीज BS6 के अंदर ATS का आया है। और इसमें ये रीजनरेट होता है, इसमें 92 डिग्री टेम्परेचर जाता है इसका, और सबसे सेफ्टी कवर भारत बेंच का है इसमें, बाकी होते कंपटीटर टाटा लीलैंड आईसर देख लो, कोई भी देख लो, इसके अंदर सेफ्टी कवर दे रखा है पूरा। ये आपको सेफ्टी कवर मिल जाता है बाहर में, अदर ब्रांड आपको सेफ्टी कवर लगा कर नहीं देती है। और यहाँ इसका इंजन प्लेस है 3900 cc का 4 सिलेंडर का, जो कि आपको पावर देता है 125 bhp की। और टॉर्क की बात करें तो 520 Nm के अराउंड आपको टॉर्क मिल जाता है। ये आपका सर AdBlue टैंक दे रखा है 43 लीटर का, ये आपको AdBlue का टैंक मिल जाता है 43 लीटर का, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके पीछे ही डीजल का टैंक लगा हुआ है। सर टैंक कितने लीटर का डीजल टैंक? ये टैंक 215 लीटर, 215 लीटर का आपको डीजल का टैंक मिल जाता है इस ट्रक में। आपको बैक कैमरा आता है सर इसमें, अपने बैक कैमरा जिससे अपन पीछे साइड देख सकते हैं आप आराम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रियर में कैमरा दिया गया है, और सेंसर भी पीछे मिल जाते हैं। मैन चीज सर जब एयर लेते हैं ना गाड़ी, हाँ एयर लेने के बाद अपन को इसको पुश अप करेंगे और स्लिप मारते रहेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाती है सर। अभी यहाँ के BDM हमको और बताएंगे इस ट्रक के बारे में। प्लेट का दे रखा, जैसे जैसे प्लेट पेड घिसते जाएगी इसके अंदर ये दे रखा है, जैसे ये बाहर आता जाएगा, ये देखो इस साइड दे रखा है, जैसे जैसे बाहर आता रहेगा ऑटोमेटिक अपने क्लच पेड घिसेगी तो उसी हिसाब से। आप इंजन की साउंड सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपको इंजन की साउंड दी है। 1917 ट्रक के हाइट की बात करें तो 2600 mm के आपको अराउंड इसकी हाइट मिल जाती है। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 275 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस दी है। आप ट्रक की ग्राउंड क्लियरेंस दे सकते हैं, मैंने आपको कारों की ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत बताई थी, आप ट्रक की भी दे सकते हैं। और अभी मैं आपको इस केबिन को खोलकर भी दिखा देता हूं कि केबिन कैसे खुलता है। आप देख सकते हैं भारत 6 की आपको यहाँ पर बेजिंग मिल जाती है, और कुछ इस टाइप से साइड से लुक दी है, और पीछे से आप लुक दे सकते हैं केबिन की भी। काफ़ी लग्जरी आपको केबिन दिया है भारत बेंच कंपनी ने। और यहाँ पर इसकी बैटरी प्लेस है, जो कि आप देख सकते हैं 2-2 बैटरी आपको यहाँ पर लगी हुई मिल जाती है। और कुछ इस टाइप से आपको यहाँ के ब्रेक के सिलेंडर दिए हैं, हाइड्रोलिक के अराउंड आपको
ब्रेक की सिस्टम मिल जाती है। आप स्ट्रक की चेसिस देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत आपको स्ट्रक में चेसिस दिए। और स्ट्रक के पीछे आप लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छे आप चाहे तो 20 फीट 22 फीट और 24 फीट के अराउंड आप कार्गो बॉक्स लगा सकते हैं बड़े से। और आप देख सकते हैं 6 चक्कों का ये ट्रक है। रेयर में भी आपको 20 इंच के टायर दिए हैं अपोलो के, कुछ इस टाइप से आपको रियर के टायर दिए हैं। और आप देख सकते हैं नीचे से इसके एक्सल को, रियर के एक्सल को काफ़ी मजबूत इसमें आपको चेसिस मिल जाती है। भारत बेंज का ये प्रीमियम ट्रक है। और कुछ इस टाइप से आप चाहे तो इसके ये केबिन को हटा सकते हैं, स्लीपर केबिन आपको दिया है। और यहाँ से आप चाहे तो हटा सकते हैं इस केबिन को, हटा मतलब इसके नीचे इंजन प्लेस आप चाहे तो खोल सकते हैं और उठा सकते हैं। कुछ इस टाइप से ये लीवर दिए हैं, सिंगल पर्सन चाहे तो इस केबिन को हटा सकता है। आप फ्रंट का एक्सल भी देख सकते हैं, नीचे से मैं आपको इस ट्रक को दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं फ्रंट के एक्सल को भी और नीचे से चेसिस को, इस ट्रक को मैं आपको नीचे से भी दिखा रहा हूं। काफ़ी मजबूत ये भारत बेंज का ट्रक है, 6 चक्कों का। भारत बेंज में बहुत से ट्रक आते हैं, आगे मैं आपको उनकी भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। आप चाहे तो कमेंट्स में बता सकते हैं कौन सी ट्रक की मैं वीडियो बनाऊं। आप देख सकते हैं उसके पीछे भी 1917 ही खड़ा हुआ है। इस साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको 1917 की बेजिंग मिल जाती है और वाइट कलर में ये भारत बेंज का ट्रक है। भारत बेंज अपने कस्टमर के लिए सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखती है, सेल्स का भी काफ़ी ध्यान रखती है। इनकी सेल्स एंड सर्विस काफ़ी अच्छी होती है, इसी वजह से कस्टमर भारत बेंज के ट्रक को चूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं माड़वा ट्रकिंग पर खड़ा हुआ हूं। ये शोरूम पड़ता है नियर पाली रोड, जो कि मैंने आपको बताया था। डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल दे दूँगा, कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे दूँगा, आप चाहे तो इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरी फ्रेम में 1917 को मिलते हैं भारत बेंज के WM रॉबिन सिंह जी से, और जानते हैं भारत बेंज के 1917 ट्रक के सर्विस के बारे में। सर आप बताइए अपना इंट्रोडक्शन। नमस्ते सर, मेरा नाम है रॉबिन सिंह, मैं मारवा ट्रकिंग जोधपुर में एज अ वर्क्स मैनेजर काम करता हूं। यहां पे मुझे 3 साल हो गए। हमारे पास भारत बेंज के एक जो मीडियम ड्यूटी ट्रक्स के अंदर जो एक मॉडल आता है 1917, जो अभी हाल ही में 1 साल पहले लॉन्च हुआ है, जिसका मार्केट फीडबैक बहुत अच्छा है, उसको हम यहाँ पे जोधपुर के मार्केट में लॉन्च किया हमने 1 साल पहले, तो उसका रिव्यू बहुत अच्छा मिला हमें। जो वेजिटेबल्स की गाड़ी है, फूड्स की है, और जो मार्केट लोड में चलती है, उसके लिए हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ 3-4 मतलब सर्विस के टिप्स बता दीजिए। सर्विस के टिप्स बताऊँगा। पहला ये है कि जो इसका जो इंटरवेल है वो है 50,000 किलोमीटर का। अब इसका जो सर्विस इंटरवल है वो है 50,000 किलोमीटर और 1800 घंटे 18 महीने। इनमें से तीनों में से जो भी हो उसमें अपन सर्विस करवाते हैं इसकी। ये कॉम्पिटिटर से ज़्यादा हमारे पास सर्विस इंटरवल है, जिसको जो अपने कस्टमर को बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद में इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम है, और इसमें जो हमारे जो मारवा ट्रकिंग है उसके 5 आउटलेट्स है राजस्थान के अंदर। मेन हेडक्वार्टर है बीकानेर, जोधपुर, सुमेरपुर, सांचोर, बाड़मेर और पालोत्रा। जो हमारी रोड साइड सर्विस होती है वो हम 24/7 देते हैं, जैसे कि जो कोई ब्रेकडाउन हो गए, पूल सर्विसेज हो गई, जो टिप्पर्स है उनके लिए हम ऑन साइड सर्विसेज देते हैं। जो हमारा टोल फ्री नंबर है वो है 1-800-120-380-380। यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और बाकी कॉम्प्यूटर गाड़ियों से भारत बेंज में आपको काफ़ी अच्छी सर्विस मिलती है। ये प्रीमियम ट्रक है भारत बेंज का 1917। मैं खड़ा हूँ भारत बेंज के ऑथोराइज्ड डीलर माड़वा ट्रकिंग पर। ये पड़ता है न्यू पाली रोड जोधपुर में, जीत कॉलेज से 2 किलोमीटर बाद में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेल्स और सर्विस दोनों की सर्विस मिलेगी। इनके नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सेल्स के लिए भी और सर्विस के लिए भी। आप देख सकते हैं इनका काफ़ी बड़ा यह शोरूम है माड़वा ट्रकिंग नाम से। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।